हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सनराइज गार्डन आई होप आप सब अच्छे होंगे तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो को तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं फ्लावर्स आपको दिखा रही हूँ ये सारे ही मेरे कॉलेज में लगे हुए हैं काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं और ये सारे ही विंटर प्लांट्स हैं तो मैं आपको सबके नाम भी बताऊँगी तो आप ंटर्स में इनको लगा भी सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो को तो फ्रेंड्स ये जो आपको रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं ये हैं पॉपी रेड और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है और ये है डॉग फ्लावर देख सकते हैं ये कई सारे रंगों में हैं और इनमें सीड्स बनने भी स्टार्ट हो गए हैं और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर कलर भी है इनका और ये है डहलिया डहलिया में काफ़ी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फूल तो झड़झड़ के इनकी पत्तियाँ गिर गई हैं और ये कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा है और ये दूसरा और फ्रेंड्स देख सकते हैं पूरा ये भरा हुआ है डहलिया के फ़्लावर से और ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये लगा हुआ है एस्टर और फ्रेंड्स ये हैं हमारे पिटूनिया के प्लांट वाइट पिटूनिया काफ़ी सुंदर लगते हैं तो आप अपने गार्डन में इनको लगा सकते हैं और ये हैं हमारे प्यारे से कलांछों के प्लांट तो ये एक परमानेंट प्लांट है पर ये फ्लावरिंग विंटर्स में ही करता है तो आप इसको लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है ईज़ीली तो अगर आपके पास एक प्लांट आ गया है तो आप एक से प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा है ये और देख सकते हैं ये हैं हमारे प्यारे से गजानिया के फ़्लावर्स तो ये कई सारे रंगों में हैं और मतलब ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देख सकते हैं ये आपको मैं सारे ही रियल फ्लावर्स दिखा रही हूँ कोई फेक नहीं है और ये देख सकते हैं कितना भर भर के फ्लावरिंग आई हुई है उसमें सीड्स भी बनते हैं तो आप इनको नेक्स्ट सीजन के लिए कलेक्ट करके भी रख सकते हैं और ये पूरा गार्डन कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसके चारों ओर फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये है प्यारे से सालविया देख सकते हैं ये रेड सालविया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है पूरा फूलों से भरा हुआ है और इसमें सीड्स बनने भी स्टार्ट्स हो गए हैं और ये देख सकते हैं अभी सीड्स पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए हैं बट जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो आप इनको रख सकते हैं अगर आपके गार्डन में लगे हैं तो और फ्रेंड सबसे सुंदर तो ये लग रहे हैं ये कॉस्मॉस है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये जब पूरा भर भर के फ्लावरिंग करते हैं तो और इनमें भी सीड्स बनते हैं और ये है कॉर्न फ्लावर और देख सकते हैं इसके बीच में जो येलो कलर है इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये पूरा एक साथ लगे हुए हैं इसीलिए इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और ये कुछ परमानेंट प्लांट और ये हमारे प्यारे से फ्लॉक्स तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स